नमस्कार भाइयों, पुण्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला भिवानी के गांव गोपालवास में। लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिला भिवानी के गांव गोपालवास में लगभग 60 मशीनें इस जिला भिवानी में पुण्य ग्रेन गुजर चल रही हैं। और आज हम पहुंचे हमारे बड़े भाई बलवान सिंह टूटी, जिन्होंने गत वर्ष भी एक मशीन ली थी ग्रेन गुजर, और इस बार बदल कर तब्दील कर नया मॉडल का फिर ग्रेन गुजर लिया। तो बलवान जी हमारे साथ है। सभी भाइयों से नमस्कार जी। बलवान जी, मैं जानना चाहूँगा, हाँ, जैसे आपने 2017 में ग्रेन गुजर लिया था, हाँ, और आज आपने नया वाला ग्रेन गुजर आपके पास 133 आस पास वाला, हाँ, आपको इन दोनों में क्या फर्क लगा? इसमें जी काफ़ी अंतर है जी। मेंटेनेंस बिल्कुल ख़त्म हो रही है जी। मेंटेनेंस का बीच में कोई काम नहीं, ना टूटा हो रही ना हो रही। इंजन इसका हैवी हो गया, काम दोगुना हो गया। मेंटेनेंस का आपने बता दिया, थोड़ा बड़ी नहीं है, इंजन बड़ा है, आउटपुट आप जैसे डबल बता रहे हैं, तो क्या औसत आती है, कितनी देर में सरसम का एक एकड़ निकाल देती है? एक एकड़ लगभग 40-45 मिनट में आराम से सेट रहेंगे, तो 40-45 मिनट में 40-45 मिनट में एक एकड़ सरसों का निकाल देते हैं। ठीक है, तो लगभग आपने जैसे अभी ये सीज़न था हमारा डेढ़ एक महीने का, 45 दिन का एक सीज़न रहता है ये सरसों का और गेहूँ का सब मिला करके, कितने एकड़ आपने सरसों निकाला? सरसों निकाले जी 325 एकड़ के लगभग सरसों निकाले। और ये तो वही सरसों की, अब हम अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं कितनी देर में एक एकड़ निकाल रही है? गेहूं एक घंटा टाइम, ज़्यादा थोड़ा सा है, तो एक घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगभग एक घंटा 10 मिनट में गेहूँ निकाल रही है। लगभग कितना गेहूँ होता है हमारे यहाँ पे एक एकड़ में? गेहूँ 40 मिनट भी हो जाएगी, 45 और 30 मिनट तक चलेगी। लगभग 50 मिनट गेहूँ अगर हम मान के चले, हाँ, तो घंटा सवा घंटा आराम से, सवा घंटे पहले पहले। तो जितनी आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी इस मशीन के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिकवरी ठीक हो रही है? बढ़िया। तो ये तो आपका जैसे आपने बताया कि इनकम अच्छी है, रिकवरी अच्छी हो रही है, जिस हिसाब से आपने मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा अब एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आप मशीन लाए हैं इसको कस्टमरिंग किराए पर आप चला रहे हैं, आपको फ़ायदा अच्छा हो रहा है, जो किसान इसको अपने खेत में चलवा रहा है उसको कितना फ़ायदा होता है? उस किसान को जी जैसे मान ले, पहले तो गेहूँ कटाई करनी पड़ती थी, फिर रोटी इकट्ठे करो, फिर निकालो, तूड़ी डालो, इसमें सारा काम एक बार में क्लियर हो जाता जी। बिल्कुल, किसान को तो बिल्कुल आसान काम हो गया जी, आराम से बैठा रहो अपना, कोई समस्या नहीं है, यानी कि उसकी चिंताएं खत्म हो गई, चिंताएं सारी खत्म हो गई। अगर हम फाइनेंशियली बात करें, उसको पैसे में कितनी बचत होती है, अगर वो मैनुअली अगर थ्रेशर से गेहूँ निकालता है एक एकड़, तो उसको कितना खर्चा आता है? उसको जी खर्चा, उसका खर्चा आएगा डबल, और इसका आधे खर्चे में काम चल जाएगी। चल पहले कटाई करेगा, फिर इकट्ठे करवाएगा, तो खर्चा जाएगा 9-10 हज़ार के ऊपर, 10 हज़ार के आसपास। और इसका लगभग 5.5 या 6 महीने मशीन वाले निकाल देते हैं, 5.5 में चला रहा है, 6 हज़ार में चला रहा है, लगभग किसान को भी 5,000 रुपये पर एकड़ का फायदा है, और टाइम की बचत है, टाइम की बचत है, दोनों काम एक साथ हो गए और खेत भी जल्दी खाली होगा उसको, जैसे कुछ भी जैसे भी जैसे साथ वाले खेत में गेहूं निकाल दी, कल इसमें चाहे बाड़ी की तैयारी कर लेगा, कपास को कुछ होगा, खेत जल्दी खाली होगा उसको, दोनों तरफ से फायदा है। 5,000 रुपए पर एकड़ भी उसको बचा, बचत हो गया, टाइम भी बचत होगी, टाइम भी बचत होगी, दोनों तरह की बचत होगी। आपके कुछ सुझाव इस मशीन के बारे में किसानों के लिए? किसानों के लिए जी मैं तो अच्छी बता रहा हूँ जी, और अच्छी है भी जी। ठीक है, तो हम ये मान के चले जितना आपने इन्वेस्ट किया था लगभग उसकी आधी बचत आराम से हो जाएगी, आधी बचत आराम से। ठीक है, यानी कि लगभग अगर दो सीजन हम बात करें, दो सीजन में एक साल में अपना क्लियर कर देगी मशीन पूरी, एक साल में लगभग अपने दो सीजन निकल के क्लियर हो जाएगा, तो एक फायदे का सौदा है ये, जो भी किसान देगा उसके फायदा है, दोनों का फायदा है। चलिए बलवान जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पूरे देश को चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए, ताकि पावरफुल वीडियो मिस ना हो जाए, वीडियोस को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे देश को चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए ताकि पावरफुल वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियोस को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक। देश को चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए ताकि पावरफुल वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियोस को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत।